वहीं पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी हमले शुरू हो गए हैं। सत्ता के संरक्षक मंत्री शंभुराज देसाई ने शिवसेना नेता संजय राउत पर हमला बोला और संजय राउत से पूछा है कि आपको यह बताने में 24 घंटे क्यों लगे कि आपको धमकी भरे फोन आए। पालक मंत्री शंभुराज देसाई ने कहा है कि कितने भी लोग यात्रा करें, किसी के पीछे रहने की कोशिश करें, हाथ में हाथ डालकर चलें, आज के परिणाम के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। दिवसेंदिवस वेगवेगळे वळण घेत चाललेलं आहे। मला आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने जी काय भूमिका घेतलेली आहे ती जर याच्या अगोदर मी वेळोवेळी पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून स्पष्ट केलेली जाय, हा विषय हा चर्चेतनं आणि केंद्र सरकारनं याच्यामध्ये लक्ष घालून समन्वयातनं सामंजस्यातनं